सिमरजीत कौर के बहुत ही होनहार पुत्र डॉक्टर प्रतपाल सिंह जी जो यहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण करके और डिग्री लेकर अमेरिका में जटे गढ़े उन्होंने और पूरे डब्बा परिवार का सगरी विधान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा दान देकर हजारों लोगों की जिंदगी बचाई। मंच पर विराजमान हमारे संग्रह के एस सिंह साहब, हमारे संग्रह के डीवी साहब और हमारे संग्रह के वाइस चेयरमैन बहन रीना महन जी, हमारे ढाबा छोटे भाई रमन जी और हमारे लाडले और हमारे संग्रह की शान भाई डॉक्टर प्रतपाल सिंह जी और समस्त मेरे आदर और सम्मान के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, पत्रकार बंधुओं। डेढ़ साल पहले जब कोरोना काल अपने यहाँ आया, लॉकडाउन लगा पहले कोरोना काल के अंदर और बहुत पूरे विश्व के अंदर लोगों को बहुत तकलीफ हुई और जो सेकंड कॉल जो कोरोना काल आया उस टाइम उससे भी भारी दिक्कत आई। ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा थी, जो सेकंड बैच आया हुआ था तो जब ये मशीनें मंगवाई, मैं कलेक्टर साहब से उनको तो मिलने गया हुआ था तो कलेक्टर साहब घबरा रहे थे, बीकानेर बात कर रहे थे और मैंने पूछा कलेक्टर साहब से घबरा क्यों रहे होंगे यार, ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और ऑक्सीजन किसी कीमत में नहीं मिल रही। बीकानेर से भाया गंगा रोके आ रही है और गंगा वाले वहाँ से कोटा लौट गया, गंगा वाले हमारे को ऑक्सीजन नहीं देते, बड़ी तकलीफ हो रही है। उस टाइम शाम को मेरे को पता था कि खालसा ऐड के लिए भाई डॉक्टर प्रतपाल सिंह जी दिल्ली के लिए मशीनें रवाना करने वाले हैं। मैंने रमन को उसी जब बुलाया और हमने बात की भाई साहब से और जो 1000 मशीन पहले आई उससे 335 मशीनें अपने यहाँ आई और रमन मेरा छोटा भाई प्रधान सभी दिल्ली से लेने गए और वहाँ भी कलेक्टर साहब ने बड़ी मेहनत करके उसकी जो GST वगैरह थी और रिलीज करवाने का सिस्टम था उन्होंने बड़ा जल्दी करवाया और जिस दिन मशीनें वो उतार रहे थे और उसी दिन पूरे मेडिकल टीम का जितनी भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर थी पूरा उनका हौसला बढ़ गया और पूरे जिले के अंदर हर हॉस्पिटल के अंदर हर संस्था के अंदर हमने वो बेड की लिस्ट बनाकर सबको दी, हर जगह भेजे हमको। उसके बाद फिर लोगों के फ़ोन और आने लगे, अनुमन से भी SP साहब थे बिश्नोई जी, उनका मेरे पास फ़ोन आया, मैंने डॉक्टर प्रतपाल से बात कराई, वहाँ भी उन्होंने अनुमन में मशीनें भेजी दोबारा भिजवाई, 100 मशीनें बाद में फिर SP साहब को कुछ पोस्ट लाइन के अंदर मशीनें दी। जहाँ भी किसी को जरूरत पड़ी बड़ा खुलकर दान किया, पैसा हर दुनिया के पास होता है पर जो दिल प्रतपाल सिंह ने दिखाया एक किसान के बेटे ने अपने हिंदुस्तान के लोगों को बचाने के लिए, चाहे वो दिल्ली में बैठे थे, चाहे राजस्थान में बैठे थे, कहीं किसी कोने में बैठे थे, बहुत बड़ा दान देकर इन्होंने लोगों को जान बचाई। मैं पूरे ढाबा परिवार का, मेरी माता सिमरजीत कौर का और दोनों के लाडले बेटों का, प्रतपाल का और भाई रमन का, संग्रह मंडी की तरफ से, संग्रह विधान की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा नेक काम आपने किया अपने पूरे गांव का, आपके विधानसभा का, अपने स्टेट का, जो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय जय भारत, धन्यवाद। क्रिया विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे राजस्थान और पूरे भारत में हमारी संग्रिया विधानसभा का नाम रोशन करने वाले हरदिल अजीज डॉक्टर प्रतपाल सिंह सिद्धू का मैं दिल की गहराइयों से जितना हो सके हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक इंसानियत के नाते सच्ची मानवता की सेवा की, जिनका हमारा पूरा ये क्षेत्र हमेशा ऋणी रहेगा और जब भी हम कभी जयपुर दिल्ली बैठते हैं, कहीं भी बैठे होते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि आप उस संग्रिया मंडी से हो जहां वो ढाबा गांव है, जहां से डॉक्टर प्रतपाल सिंह सिद्धू ने देश की उस संकटकालीन स्थिति में अपना दिल खोलकर योगदान किया। मैं परमात्मा से इनके उज्जवल भविष्य व स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए कहते आज नहीं होती, ये अपना परिचय स्वयं देते हैं। इसी प्रकार से
आज डॉक्टर प्रीतपाल सिंह सिद्धू जी को भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समाज सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं है और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य दूसरों की मदद करना ही मानवता की सच्ची सेवा है। इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए परंतु अपनी मातृभूमि और देश के प्रति लगाव उसका कभी कम नहीं हो सकता। इन्हीं सब तथ्यों को कृतार्थ किया है आज डॉक्टर प्रीतपाल जी सिद्धू ने, जिन्होंने अमेरिका में बैठे ही अपने देश के लिए इतनी 1100 ऑक्सीजन की मशीनें, 6 करोड़ की लागत की मशीनें आज वहां अमेरिका में बैठे आज अपने देश को समर्पित की। इनके लिए बहुत बहुत तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि इनका जोरदार स्वागत किया जाए। देश सेवा में अपना अतुल्य योगदान देने के लिए आज मैं इस मंच के माध्यम से एपेक्स वुमेन क्लब संग्रिया की तरफ से इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सिर्फ डॉक्टर प्रीतपाल सिंह सिद्धू जी ही नहीं, इनका पूरा परिवार मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब हमने क्लब की तरफ से खो खो का टूर्नामेंट करवाया था तो इनकी माता जी ने, सिमरजीत जी को, सिद्धू ने भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया था। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब संगरिया में आनंदम का कार्यक्रम हुआ था तब इनके भाई रमनदीप जी सिद्धू ने पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी। तो आज इस मंच के माध्यम से पूरे भामाशाही परिवार को मैं एपेक्स क्लब की तरफ से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आगे भी ये समाज सेवा के कार्य में इसी तरह से योगदान देते रहेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए जय हिंद जय भारत। भाषण करने की तो आवश्यकता नहीं, इनके जो कार्य हैं, जो इन्होंने किया है, पूरे राज्य क्या भारत के लिए एक मिसाल है। और हम यही चाहेंगे, ईश्वर से भी यही प्रार्थना करेंगे कि इनको इसी तरह से हौसला मिलता रहे, इनका जो मन है सहयोग की तरफ आकर्षित होता रहे। और इसी तरह से हमारे, विशेषकर हमारी तहसील और हमारे प्रांत के लिए ये शुभ कार्य करते रहें। और मैं ज़्यादा समय न लेकर के अंत में फिर इनका अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर प्रीतपाल सिंह सिद्धू, जो हमारे क्षेत्र के ही नहीं बल्कि हमारी तहसील, जिले और प्रांत के बहुत बड़े भामाशाह हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। भाई रमनदीप जी, आप सभी जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं, इस सम्मान समारोह में, भारत विकास परिषद के सभी साथियों और मेरे पत्रकार बंधुओं, कोरोना के दौर में जब हम सभी क्षेत्र की जनता, पूरा प्रदेश और देश बहुत बुरी तरह जूझ रहा था और जान जोखिम में पड़ी हुई थी, ऐसी स्थिति में जैसे ही इन्हें प्रीतपाल सिंह सिद्धू साहब को, डॉक्टर साहब को पता चला कि भी मेरे क्षेत्र की जनता परेशानी पा रही है, तो इन्होंने जीवन रक्षक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1100 6 करोड़ की लागत के भिजवाए, जिससे न केवल संगरिया क्षेत्र बल्कि पूरा जो हमारा जिला है, प्रदेश है, देश भी लाभान्वित हुआ।